मैं बचपन की एक किस्सा सुनाता हूं कि मेरे अंदर की दुनिया में और बाहर की दुनिया में कितना फर्क हुआ करता था। जब मैं छोटा था, शायद मैं केजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, फर्स्ट स्टैंडर्ड का एक बहुत अर्ली मेमोरी याद आ रहा है कि मैंने एक या दो दिन मैं स्कूल नहीं गया था, तो मॉम एंड डैड ने चिट्ठी लिखा था टीचर को, लीव नोट। वो लीव नोट को उन्होंने ऐसे फोल्ड किया था, चार हिस्सों में फोल्ड करके दिया था कि ये टीचर को दे देना। अब टीचर सामने बैठे थे, मैं फर्स्ट बेंच में था, और टीचर ने कहा कृष्णा राव लीव नोट दो। मेरे हाथ में लीव नोट, टीचर बैठे हुए हैं शायद मुझसे 6 फीट दूर। मुझे लगा कि बड़ा स्मार्ट काम होगा अगर मैंने यूं थ्रो किया और वो ऐसे घूमेगा चुकू 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 चुकू, और टीचर उसे कैच कर लेगी और कहेगी वेरी गुड। ये मुझे लगा, तो मैंने क्या किया, पेपर को थ्रो किया ऐसे जैसे फ्रिस्बी थ्रो करते हैं। अब वो पेपर है, मैं बच्चा हूं, मेरे अंदर वो स्किल्स नहीं है, और वो पेपर है वो ऐसे नहीं उड़ने वाला है, लेकिन मुझे मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने फेंका, वो नीचे गिरा, सीधा ऐसे पर करके नीचे गिर गया सामने। टीचर बहुत नाराज हो गई, तुमने ये क्या किया, तुम फेंकते हो क्या, ऐसे देने का होता है, इज्जत से दो, गिव विथ रिस्पेक्ट, बहुत डांटा। अब वो नहीं जानती थी कि मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं तो ऐसे ही उनको देना चाहता था। लेकिन बहुत बड़ा किस्सा हो गया, मतलब बहुत डांटा उन्होंने। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एक एग्जाम्पल ऐसा है कि यहां पे देखो मिसमैच होता है, बच्चे के दिमाग में कुछ होता है, बड़ों के दिमाग में कुछ होता है। बड़ों को डिसरिस्पेक्ट दिखता है, बच्चे को नॉर्मल बिहेवियर दिखता है या प्लेफुलनेस दिखता है कि ये लो फ्रिस्बी की तरह मैं दे रहा हूं। और एक मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो ऐसे हुआ करता था, ये कई बार हुआ। मेरे स्पेलिंग्स में मैं परफेक्ट था, बहुत अच्छा था, लेकिन और वो टीचर डिक्टेशन टेस्ट देते थे, तो स्पेलिंग ऑफ स्टेयरकेस, चेयर, टेबल ऐसे सब वो डिक्टेट करते हैं और हमें लिखना होता है। तो मैंने चेयर के बदले में चार ही लिखा। अब 9 out of 10 मेरे डिक्टेशंस में मैं 8 out of 10, 9 out of 10 लेके आता था, 10 out of 10 कई बार लेके आता था। अब चेयर के बदले में मैंने लिख दिया चार ही। क्यों लिखा, मैं जानता था स्पेलिंग करेक्ट है चेयर, मैं स्पेलिंग को जानता था, लेकिन लिखने में ध्यान नहीं रहा, चार ही। और टीचर ने वो देखा और सभी क्लास के सामने हंस दिया, बोले चार ही, CHARI, ये बच्चा चारी ही बोलता है। अब क्लास के सामने मजाक उड़ाया, क्लास हंसने लगे, हा 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 हा, चूतिए लोग, तुम लोगों का 8 out of 10 नहीं, तुम लोगों का 6 या 5 out of 10 आता है, तुम क्या हंस रहे हो, मुझे 9 out of 10 या 10 out of 10 आता है। एक गलती कर दी और टीचर ने उसका मजाक कर दिया, हंसने लगे। अब उनके हंसने से, टीचर की मजाक उड़ाने से मेरा एडजस्टमेंट हुआ। मैंने कहा टीचर्स मजाक उड़ा सकते हैं, अडल्ट्स इस तरह से बर्ताव करते हैं, टीचर का काम सिर्फ टीचिंग करना नहीं है, मजाक उड़ाना और आपके इज्जत को डाउन करना भी टीचर का काम है। ये मैंने मैसेज लिया। बच्चों को देख के बच्चे हंस रहे हैं, मैं उनको जज कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि चेयर और चारी का फर्क मैं जानता था, मुझे पता था, लेकिन मैं उनके शैलोनेस को मैं जज कर रहा था कि ये लोग जब मौका आएगा ये लोग हंस देंगे, ये लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है। मैं फीडबैक ले रहा हूं कि दुनिया कैसी है, दुनिया क्या है, दुनिया क्या करता है, दुनिया काइंड है या क्रूएल है, लोग काइंड है या क्रूएल है। तो ये चीज मैं जज कर रहा था, ये मुझे याद है। तो इस तरह के बहुत सारे और किस्से हुए हैं, कभी कभी बहुत अच्छे भी किस्से हुए हैं, बहुत जेंटल भी किस्से हुए हैं, कभी कभी बहुत एम्बैरेसिंग भी हुए हैं, बहुत एम्बैरेसिंग, इतना एम्बैरेसिंग कि शायद कुछ साल तक मेरे अंदर वो शर्म एक रह गया था।
तो कुछ एक ऐसे एक किस्सा हुआ था कि हम लोग कैंप में गए थे उदयपुर। तो हम लोग प्लेन में उड़ के गए थे उदयपुर, और उदयपुर से प्लेन में उड़ के आए थे अहमदाबाद टू उदयपुर, उदयपुर टू अहमदाबाद। और उन्होंने हमको टूर करवाया था बसेस में। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मुझे बहुत यानी पेट में लूज मोशन हो गया। अब लूज मोशन था, मैं कंट्रोल कर रहा हूं, मैं जाके बस कंडक्टर से कह रहा हूं, टीचर से कह रहा हूं, प्लीज रोको, गाड़ी रोको, नहीं हो पा रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। फिर भी उन्होंने कहा, अगले वो एक पैलेस था, आई थिंक लेक पैलेस या ऐसे कोई जगह थी जहां पे हम जा रहे थे, तो वो बोले लेक पैलेस पहुंच जाते हैं, उसके बाद तुम टॉयलेट में चले जाना। लेक पैलेस आया, मैं टॉयलेट में गया। अब टॉयलेट्स टीचर्स ने, ये शायद फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड की बात है, टॉयलेट्स ऐसे होते हैं कि हमारे कपड़े रखने के लिए जगह नहीं होती है, हुक्स नहीं होते हैं, और बच्चा उतावल में, और आप जानते हो कि बाथरूम पहुंचते पहुंचते आपका हो सकता है, बहुत रिस्क रहता है। मैंने टीचर से कहा कि भाई मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन उतना भी नहीं कहा जितना कहना चाहिए था। मुझे ये कहना चाहिए था, टीचर आप मेरे साथ चलिए, मुझे कहना चाहिए था, मैंने नहीं कहा। टीचर ने कहा, देखो वहां पे टॉयलेट्स हैं, जाओ करके आओ। मैं भागा, पहुंचते पहुंचते दरवाजा खोलने के टाइम पे भर छूट गया, छूट गया। मैं अंदर गया, देखता हूं पानी है लेकिन साबुन नहीं है धोने के लिए, साबुन नहीं है। मैंने जैसे तैसे करके किया, धोया, परेशान हो गया मैं, लेकिन जितना भी धोया, जैसे भी धोया, मैं बच्चा हूं यार, फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा, मतलब आई डोंट नो 11-12 साल। मैंने किसी तरह से धोया, लेकिन धोया जैसे भी धोया, और वही मेरे पास चेंज ऑफ कपड़े नहीं थे क्योंकि चेंज ऑफ कपड़े कैंप में, उन्हीं कपड़ों को पहन के मैं आया हूं। एक तो गीला भीगा हुआ, दूसरा आप कितने भी टट्टी को धोते हो वो टट्टी का बास रहता है, वो जाता नहीं है, गंदा बास, वो आसानी से जाता नहीं है, उसके लिए साबुन से रगड़ना पड़ता है, ब्रश से रगड़ना पड़ता है, तब जाके बास साथ छोड़ेगा, लेकिन हाथ धोने के लिए और पैंट धोने के लिए वगैरह है ही नहीं, कुछ भी सुविधाएं नहीं है। किसी तरह से मैंने स्ट्रगल किया और पहन के आया। नीडलेस टू से बदबू आ रही थी, नीडलेस टू से बहुत बदबू आ रही थी। मुझे बस के लास्ट सीट पे बैठाया, लास्ट सीट पे जाके मुझे बैठाया। वहां से जो बच्चे लोग थे सब भाग के आगे बैठ रहे थे, मैं समझता हूं बदबू आ रही थी। एक बच्चा, एक लड़का, अनित नाम का था उसका, सॉफ्ट जेंटल नेचर था, उसने मेरा साथ दिया। वो मेरे बाजू में बैठा और बोला, हाँ स्मेल आ रहा है लेकिन ठीक है, डोंट वरी। जेंटल लड़का था, कोई खास इंटेलिजेंस या ऐसे कुछ दिखा नहीं, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ दोस्ती भी क्या होती है, पब्लिक क्या होता है, और एक दूसरे को सपोर्ट देना क्या होता है। उसने सपोर्ट दिया, बहुत ज्यादा कुछ बोला नहीं, बस बैठा रहा, नॉर्मली बात करता रहा। अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। हालांकि उस दिन का जो शर्म था वो शर्म मेरे साथ शायद 2 या 3 साल तक रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस दिन जो लिटरली कहते हैं ना, मैंने हग दिया था। वो एक चीज, अब मैं तो समझता हूं कि लोग कैंप से वापस आने के बाद सब एक दूसरे को स्टोरी सुना रहे थे कि देख देख वो रावड़ा ने ऐसे किया, उन दिनों में मेरा नाम रावड़ा हुआ करता था। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, छोटे 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 इंसिडेंट्स हैं। करते करते मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूं क्योंकि बचपन इस तरह से गुजरती है, और हम क्या अल्टीमेटली चाहते हैं, हम चाहते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब एक दूसरे की नजरों में हम चाहते हैं कि हम कहेंगे, हाँ यार मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था लेकिन मैं नॉर्मल हूं, मुझे शर्मिंदगी की कोई जरूरत नहीं है, मैं नॉर्मल हूं, मुझे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ऐसे होता है,